गुड मॉर्निंग। ये डिजोल्यूशन का गार्नर वर्सेस मर्रे पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी ऑन 31 दिसंबर 2008। क्रेडिटर्स 2000, बैंक लोन 500, ये दो आइटम रियलाइजेशन में जाएगा। बिल्स पेबल 500, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। कैपिटल ए और बी, ए और बी सॉल्वेंट पार्टनर है, इसलिए इन लोगों का जो बैलेंसिंग फिगर है वो लाइबिलिटी साइड में है। जरा आते हैं एसेट्स में। बैंक 500, स्टॉक 2000, प्लांट 2000, डेटर 1000, बिल रिसीवेबल 1000 और सीज कैपिटल। किसी भी पार्टनर का कैपिटल जब एसेट साइड में हो, यानी कि ये उसका ओवरड्रॉन हो गया, कैपिटल से ज़्यादा पैसा निकाल चुका है, इसको हम लोग नेगेटिव कैपिटल भी बोलते हैं, या ड्रॉइंग का अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको ओवरड्रॉन बोलते हैं, 500। नेक्स्ट, सी इज इनसॉल्वेंट बट दिस पार्टनर रिकवर फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट ₹250। सी इनसॉल्वेंट हो गया बट इससे एसेट से ₹250 कवर हुआ। इट इज डिसाइडेड टू वाइंड अप द पार्टनरशिप एंड एसेट्स रियलाइज स्टॉक 1600 मार्केट वैल्यू मिला है, प्लांट 1500 मार्केट वैल्यू, डेटर 750, बिल रिसीवेबल 700, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिवाइडेड इक्वली। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ ईच पार्टनर्स अकाउंट ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप, द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹250। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पार्टनर का पोजीशन का क्या होगा जब फर्म बंद हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 250। क्वेश्चन के बाद हम लोग आंसर में आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जितना भी एसेट्स है पार्टनर कैपिटल को छोड़ के सब डेबिट में आ जाएगा। स्टॉक, प्लांट, डेटर, बिल रिसीवेबल, जितना भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है पार्टनर कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल पेबल, इधर आ जाएगा। इधर का टोटल हुआ बुक वैल्यू 6000, इधर 3000। अब एसेट्स को जो मार्केट वैल्यू में बेचा जा रहा है वो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, उसका टोटल करते हैं। स्टॉक, प्लांट, डेटर, बिल रिसीवेबल, टोटल किया 4550। लाइबिलिटीज 3000 है। जब क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो लाइबिलिटीज को फर्म ही पे करता है, इसलिए टू बैंक अकाउंट के थ्रू लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया। टोटल लाइबिलिटीज 3000 है, 3000 पेमेंट कर दिया। देन रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म पे कर रहा है टू बैंक अकाउंट 250। अब टोटल करते हैं इस लाइन का, तो इस लाइन का जो टोटल हो रहा है वो है 9250। जबकि इस 9250 से इस टोटल को माइनस कर रहे हैं, मेरा आ रहा है 1700। 1700 को इक्वली बांटे तो हर एक पार्टनर के हिस्से में 567 और यहाँ 566। राउंड ऑफ करने के लिए एक कम लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल को अलग बनाया है और इंसॉल्वेंट को अलग बनाया, ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्लियर करता हूँ। सीज कैपिटल का ओवरड्राउंड था, एसेट साइड में था, इसलिए टू बैलेंस बीडी। रियलाइजेशन का लॉस उसको मिला 567, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके एसेट से ₹250 कैश में मिल रहा है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया, नीलामी में ₹250 मिला। तो 1067 से 250 माइनस किए तो इसका वर्किंग को यहाँ समझेंगे। 1067 से 250 को माइनस किए तो 817 उसका डेफिशिएंसी निकला, और इस डेफिशिएंसी को ए और बी के बीच में बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, यानी कि उसका जो फिक्स्ड कैपिटल है उसके रेशियो में, 5:8, 3:8। तो 817 का 5:8, 510.62, इसको 511 ले सकते हैं, और 817 का 3:8, 306.37, इसको 306 ले सकते हैं। इस अमाउंट को ए और बी शेयर करेगा, यानी कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर अपनी कैपिटल रेशियो में शेयर करेगा। नेक्स्ट ऊपर आते हैं सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल। ए और बी का ओपनिंग कैपिटल 2500 और 1500,
रियलाइजेशन से लॉस हुआ 566,567 एज पर एज रूल ऑफ गार्नर वर्सेज मरे। जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है वो अपना लॉस का पैसा कैश में लेके आता है बाय बैंक अकाउंट 566,567। उसके बाद ए और बी मिलके सी को डिफिशेंसी पेमेंट किया 511 और 306 ये पेमेंट किए, यानी कि इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ और इसके अकाउंट में डेबिट हुआ। टोटल करते हैं 3066 से इसको माइनस किया, मेरा आया 1989 ए का बैलेंसिंग फिगर, और बी का 2067 से इसको माइनस किया, मेरा आया 1194। ये बैलेंसिंग फिगर ए और बी को पेमेंट करना है क्योंकि ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। देन हम लोग आते हैं बैंक अकाउंट में। बैंक का ओपनिंग बैलेंस पहले से 500 है, टू बैलेंस बीडी। सी के एसेट्स को बेच के उसका प्रॉपर्टी से मिला 250। रियलाइजेशन में एसेट्स को बेच के आ रहा है 4550। ए और बी अपना लॉस का पैसा लेके आ रहा है 566 और 567। पेमेंट में आते हैं, रियलाइजेशन से लाइबिलिटी को पेमेंट किया गया बैंक के थ्रू 3000। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट किया गया 250, और ए और बी का जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल अकाउंट का वो भी उसको पेमेंट किया गया बाय ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल 1989 1914। टोटल किए, मेरा बैंक अकाउंट टैली कर गया। बैंक अकाउंट टैली करने का मतलब है कि सारा पोस्टिंग सही हुआ है और इसका आंसर सही आ रहा है। एक बार बैंक अकाउंट को बढ़िया से देख लीजिए, और ये वर्किंग जिसके बेस पे सी का डेफिशिएंसी को ए और बी में बांटा गया। Thank you.